हार के किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट के बारे में पूरी पूरी जानकारी के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आप एक ऐसे YouTube चैनल पे पहुंच चुके हैं जहां पर ना सिर्फ टॉप 10 कॉलेज का नाम ही बताया जाता है, बल्कि टॉप 10 कॉलेज के बारे में पूरी पूरी जानकारी काफी डिटेल में दी जाती है। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पटना के टॉप 10 फार्मेसी कॉलेज कौन है, जहां से अगर आप फार्मेसी में कोई भी कोर्स करते हैं तो एक तो ये कॉलेज आपको अप्रूव्ड और वैलिड डिग्री दिलाते हैं तथा दूसरा बहुत ही अच्छा एजुकेशनल एनवायरनमेंट भी दिलाते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 1 पे आता है गवर्नमेंट फार्मेसी कॉलेज गुलजारबाग। दोस्तों, यह कॉलेज बहुत ही जबरदस्त कॉलेज है तथा फार्मेसी कोर्स के लिए पटना का सबसे पहला और सबसे पुराना कॉलेज है। इसकी स्थापना हुई थी 1958 ईस्वी में। इस कॉलेज के पास दोस्तों बहुत ही एक्सपीरियंस और हाई क्वालिफाइड फैकल्टी उपलब्ध है, जिस कारण यहां पर आपको बहुत ही अच्छा एजुकेशनल एनवायरनमेंट मिल जाता है तथा इस कॉलेज के पास बहुत ही अच्छा लैब भी उपलब्ध है, जिसमें नई नई टेक्नोलॉजी का यूज कर मॉडर्न स्टाइल से स्टडी कराया जाता है। दोस्तों, अगर आप पटना के हैं या बिहार के हैं और फार्मेसी में कोर्स करना चाहते हैं तो आप अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि यह कॉलेज प्लेसमेंट रिकॉर्ड में भी बहुत अच्छा है। यह कॉलेज AKU यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है तथा PCI द्वारा अप्रूव्ड है, साथ ही साथ AICTE द्वारा भी अप्रूव्ड है। यहाँ से आप डी फार्म, बी फार्म और एम फार्म में कोर्स कर सकते हैं। इस कॉलेज के बाद नंबर 2 पे आता है बिहार कॉलेज ऑफ फार्मेसी। दोस्तों, यह कॉलेज भी कमाल का कॉलेज है तथा फार्मेसी कोर्स के लिए बड़ा ही बेहतरीन कॉलेज है। इसके पास भी बहुत अच्छा एजुकेशनल एनवायरनमेंट उपलब्ध है तथा यहाँ के फैकल्टी भी बहुत एक्सपीरियंस और वेल क्वालिफाइड है, जिस कारण यहाँ पर बच्चे पढ़ना काफी पसंद करते हैं। और यह कॉलेज पुराना कॉलेज भी है। इसकी स्थापना हुई थी 1979 ईस्वी तथा यह कॉलेज MU यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है और AICTE, UGC, PCI, DST तथा MHFW द्वारा अप्रूव्ड है। इस कॉलेज से भी आप डी फार्म, बी फार्म और एम फार्म में कोर्स कर सकते हैं। इस कॉलेज के बाद नंबर 3 पे आता है मगध प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट। दोस्तों, यह एक कॉलेज ग्रुप है तथा यह कॉलेज ग्रुप बहुत ही कमाल का कॉलेज ग्रुप है। इसके पास भी बहुत ही अच्छा एजुकेशनल एनवायरनमेंट उपलब्ध है। दोस्तों, इस कॉलेज का एजुकेशन सिस्टम फुल्ली मॉडर्न स्टाइल का है तथा इस कॉलेज के फैकल्टी भी काफी मॉडर्न स्टाइल में स्टडी देते हैं। यह कॉलेज तो है दोस्तों अभी न्यू, लेकिन स्टडी सिस्टम इसका इतना स्ट्रॉन्ग है कि पूरे बिहार में बहुत ही जल्दी से फेमस होता चला जा रहा है। यहाँ पर भी अगर आप एडमिशन लेते हैं तो यह कॉलेज भी आपको बहुत अच्छा एजुकेशन दिलाता है। इसकी स्थापना हुई थी 2000 ईस्वी में। यह कॉलेज AKU यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है तथा PCI द्वारा अप्रूव्ड है, साथ ही साथ AICTE द्वारा भी अप्रूव्ड है। वैसे तो दोस्तों यहाँ से आप और भी बहुत सारा कोर्स कर सकते हैं, लेकिन फार्मेसी में यहाँ से आप डी फार्म और बी फार्म में कोर्स कर सकते हैं। इस कॉलेज के बाद नंबर 4 पे आता है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी। दोस्तों, यह यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है तथा इसके पास भी बहुत अच्छे अच्छे फैकल्टी उपलब्ध है, जिस कारण यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छा एजुकेशनल एनवायरनमेंट मिल जाता है। दोस्तों, यह यूनिवर्सिटी अभी न्यू यूनिवर्सिटी है। इसकी स्थापना हुई थी 2018 ईस्वी में तथा यह यूनिवर्सिटी UGC द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है और बिहार गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड है। वैसे तो यहाँ से आप बहुत सारा कोर्स कर सकते हैं, लेकिन फार्मेसी में यहाँ से आप बी फार्म में कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 5 पे आता है AIHE कॉलेज, अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन। दोस्तों, यह कॉलेज भी बहुत ही जबरदस्त कॉलेज है तथा इस कॉलेज के पास भी एक ग्रेड का एजुकेशनल एनवायरनमेंट उपलब्ध है और इस कॉलेज के पास दोस्तों प्रैक्टिकल के लिए बड़ा ही मॉडर्न स्टाइल का लेबोरेटरी उपलब्ध है, जिसमें कंप्यूटराइज द्वारा प्रैक्टिकल क्लासेज ऑर्गेनाइज किया जाता है। यह कॉलेज AKU यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, साथ ही साथ BUHS यूनिवर्सिटी से भी एफिलिएटेड है और AICTE, INC तथा PCI द्वारा अप्रूव्ड है। इस कॉलेज से भी आप बहुत सारा फील्ड में कोर्स कर सकते हैं, लेकिन फार्मेसी में यहाँ से आप डी फार्म और बी फार्म में कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 6 पे आता है MGM ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, मंजू गीता मिश्रा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन।
दोस्तों यह कॉलेज ग्रुप भी बेहतरीन कॉलेज ग्रुप है तथा यहाँ पर भी आपको टोटली मॉडर्न स्टाइल में स्टडी मिलेगा। अगर आप यहाँ से भी पढ़ते हैं तो आपको बहुत अच्छा एजुकेशन मिलता है। यह कॉलेज काफी पुराना कॉलेज है लेकिन इस कॉलेज का एजुकेशन सिस्टम टोटली मॉडर्न स्टाइल का है। इसकी स्थापना हुई थी 1980 ईस्वी में। यह कॉलेज दोस्तों AKU यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है और PCI द्वारा अप्रूव्ड है, साथ ही साथ INC द्वारा भी अप्रूव्ड है। फार्मेसी में इस कॉलेज से आप डी फार्म और बी फार्म में कोर्स कर सकते हैं। इस कॉलेज के बाद नंबर 7th पे आता है चाणक्य फाउंडेशन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। दोस्तों यह कॉलेज ग्रुप बिहार का उभरता हुआ कॉलेज ग्रुप है। इसके पास भी बहुत ही अच्छा एजुकेशन सिस्टम है क्योंकि इस कॉलेज का एजुकेशन सिस्टम दोस्तों बड़ा ही मॉडर्न और वर्ल्ड क्लास का है, जिस कारण यह कॉलेज काफी जल्दी से बिहार में फेमस होता जा रहा है। यहाँ पर दोस्तों वर्ल्ड क्लास के फैकल्टी उपलब्ध है जो टोटली मॉडर्न स्टाइल में स्टडी देते हैं तथा इस कॉलेज के पास भी मॉडर्न एज का टेक्निकल लैब है जिसमें प्रैक्टिकल की सारी सुविधाएं उपलब्ध है। इसकी स्थापना हुई थी 2019 ईस्वी में। यह कॉलेज AKU यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है तथा PCI द्वारा अप्रूव्ड है, साथ ही साथ AICTE द्वारा भी अप्रूव्ड है। फार्मेसी में इस कॉलेज से भी आप डी फार्म और बी फार्म में कोर्स कर सकते हैं। इस कॉलेज के बाद नंबर 8 पे आता है सुंदरम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। दोस्तों यह कॉलेज भी बहुत अच्छा कॉलेज है तथा इसके पास भी एक ग्रेड का एजुकेशनल इन्वायरमेंट उपलब्ध है और इस कॉलेज के पास भी हाई क्वालिफाइड फैकल्टी उपलब्ध है, जिस कारण यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छा एजुकेशन मिलता है। यह कॉलेज AKU यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है तथा PCI द्वारा अप्रूव्ड है। इस कॉलेज से भी आप डी फार्म और बी फार्म में कोर्स कर सकते हैं। इस कॉलेज के बाद नंबर 9th पे आता है SNB कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड मैनेजमेंट। यह कॉलेज भी दोस्तों एक ग्रेड का कॉलेज है तथा इसके पास भी बहुत अच्छे अच्छे फैकल्टी उपलब्ध है, जिस कारण यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छा एजुकेशनल एनवायरनमेंट मिल जाता है तथा यह कॉलेज AKU यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है और PCI द्वारा अप्रूव्ड है, साथ ही साथ AICTE द्वारा भी अप्रूव्ड है। इस कॉलेज से भी आप डी फार्म और बी फार्म में कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 10 पे आता है कुसुम राज इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी। दोस्तों यह कॉलेज भी अच्छा कॉलेज है तथा इसके पास भी बहुत अच्छे अच्छे फैकल्टी उपलब्ध है और इस कॉलेज का भी एजुकेशनल एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। यह कॉलेज PPU यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है तथा PCI द्वारा अप्रूव्ड है। इस कॉलेज से भी आप डी फार्म और बी फार्म में कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों यह है पटना के टॉप 10 फार्मेसी कॉलेज, जहां से अगर आप फार्मेसी में कोई भी कोर्स करते हैं तो एक तो ये कॉलेज आपको अप्रूव्ड और वैलिड डिग्री दिलाते हैं तथा दूसरा बहुत ही अच्छा एजुकेशनल एनवायरनमेंट भी दिलाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इन कॉलेजों के पास बहुत ही मॉडर्न स्टाइल के प्रैक्टिकल लैब भी उपलब्ध है। दोस्तों आज का यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा हमें जरूर बताएं तथा वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।